हम बनाने जा रहे हैं खोवा और बुरादा का पड़किया। उसके लिए हम 150 ग्राम खोवा लिया है, देखिए, और 200 ग्राम बुरादा लिया है हमने। अब हम कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम खोवा डालेंगे। खोवा डालकर हम इसे थोड़ी देर के लिए इसे भूनेंगे, हल्का लाल होने तक इसे भूनेंगे। 150 ग्राम लिया था हमने खोवा, अब इसे हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह। खोवा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, इसे बुरादा डालकर थोड़ा फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। हम इसे देखिए इस तरह से अच्छी तरह से इसे मिलाएंगे खोवा और बुरादा को। ये इस तरह से जो बना है ये देखिए, ठंडा होने के बाद हमने देखिए इसे अच्छी तरह से बारीक करके मिला लिया है खोवा, देखिए खोवा और बुरादा। अब ये ठंडा हो गया है, अब इसमें हम चीनी मिलाएंगे। चीनी हम ठंडा होने के बाद इसलिए मिलाते हैं क्योंकि ये अगर गर्म में हम इसे इसमें चीनी डालेंगे तो वो पिघलने लगेगा। अब इसमें हम 200 ग्राम चीनी लेंगे, चीनी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए चीनी अच्छी तरह से मिल चुका है। अब इसमें हम 25 ग्राम किशमिश देंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे। पड़किया में भरने के लिए देखिए ये मिश्रण अब तैयार हो चुका है। अब हम मैदा को अच्छी तरह से मिलाएंगे, आटे को तैयार करेंगे। अब गुजिया बनाने के लिए आटा तैयार करेंगे। हम चाल लिया है, अब इसमें हम मूंग देंगे, थोड़ा सा रिफाइंड लेंगे, लगभग हम 25 ग्राम लेंगे मूंग। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे, फिर पानी से इसे हम भूनेंगे आटे को, इस तरह से मिलाएंगे। ये अच्छी तरह से मिल गया है, अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी देंगे, इसे अच्छी तरह से हम भूनेंगे आटे को। ये थोड़ा थोड़ा करके पानी देके इसे अच्छी तरह से हम मिलाएंगे, आटे को तैयार करेंगे। देखिए इस तरह से आटा तैयार हो चुका है हमारा। अब हम इसका पड़किया बनाएंगे। ये पड़किया बनाने के लिए आटे की छोटी छोटी लोइयां लेंगे, अब इसे हम बेल लेंगे। ये देखिए साँचा लिया हमने, साँचे के अनुसार इसे इस तरह से इसे लेकर साँचे पे हम इसे रखेंगे ऐसे इस तरह से। अब इसमें बुरादा जो हमने तैयार किया था उसे देखिए 2 चम्मच लेकर इसे देखिए हम ऐसे काट लेंगे। देखिए अब इसे हम दिए से निकालेंगे। ये देखिए पड़किया इनका तैयार है, अब इसे हम इस तरह से रखेंगे। इस तरह से देखिए बन के तैयार हो गया है गुजिया पड़किया हमारा। अब इसे तेल गरम करके इसे हम फ्राई करेंगे। तेल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है,
अब इसमें हम धीरे धीरे करके ये डालेंगे फ्राई होने के लिए, आहिस्ता आहिस्ता। गैस को हम थोड़ा धीमा कर देंगे, ऐसे फ्राई होने देंगे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक। इस तरह से हम इसे धीरे धीरे करके देखिए हल्का ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए ये देखिए अच्छी तरह से तल के तैयार हो गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। गुजिया बन के हमारा तैयार हो गया। ये देखिए गुजिया हमारा बन के तैयार हो चुका है। देखिए